हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेप्टेम्बर 10 का एडवर्टीजमेंट जो जारी हो गया था, उसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। डिप्लोमा इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे, STAB की पोस्ट यहाँ पर आ गई है, फॉर्म फिलअप इसके स्टार्ट हो गए हैं। हम इस वीडियो में फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताएंगे कि फॉर्म आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसे फिल करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर DRDO की वेबसाइट खुली हुई है, जिसका लिंक है drdo.gov.in। इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये भी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उससे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर DRDO रिक्रूटमेंट सेप्टेम्बर 10 नोटिस बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो DRDO के सेप्टेम्बर पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे। सेप्टेम्बर का पोर्टल DRDO का ये है, जिसका पूरा लिंक है DRDO/सेप्टेम्बर एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पर पूरा आपको पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके सामने एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इस एडवर्टीजमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आवेदन का यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट, कर्टन रेजर, सब कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कर्टन रेजर पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये वैकेंसी कब आई थी और क्या क्या इसके ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। उसके बाद में फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन, अभी नेक्स्ट पोर्टल पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर यस के टैब पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्योंकि अभी इससे पहले सेप्टेम्बर 10 पे आपने रजिस्टर नहीं किया होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको टैब पे क्लिक करना है। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पर से भी आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। 3 तारीख यानी कि आज ही की डेट, सुबह 10 बजे अभी से ही ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 23 तारीख है। 23 तारीख के अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और इसकी फ़ीस भी सबमिट कर लेनी है। अब हम नवीन पंजीकरण यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन, बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, पोस्टिंग प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू, पेमेंट, इतना 7 स्टेप है। 7 स्टेप में फॉर्म आपको भरना है। ये 7 स्टेप मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर नाम, फुल नेम, इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में सेम आपको फिर से यहाँ पर कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर की पुष्टि कर देना है। अब आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी इस तरीके से डाल देता हूँ। आपका जो ईमेल आईडी है वो आप अपना डाल दीजिए। फिर सेम आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका कॉपी पेस्ट काम नहीं करने वाला है, तो इस तरीके से आपने डाल दिया। उसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पर सुरक्षा कोड यानी कि स्मॉल कैपिटल जो भी है, आप यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने फिलअप कर दी हुई है। अब यहाँ पर रजिस्टर के टैब पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर के टैब पर क्लिक करते ही देखिए ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गया है। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इंपॉर्टेंट, योर ईमेल आईडी, यूज़र आईडी इज सेंट, योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, प्लीज़ चेक योर ईमेल इनबॉक्स एंड मैसेज इंक्लूडिंग स्पैम जंक फोल्डर। तो आपके ईमेल पर ये भेज दिया गया है। अब देखिए आपके ईमेल पर ये आ गया है ईमेल। आप एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक करिएगा, क्योंकि मेरे स्पैम में ही आया हुआ है ये। तो यहाँ पर आपका यूज़र आईडी आ गया और पासवर्ड भी देखिए यहाँ पर आपका आ गया। अब इसी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कहाँ पे करना है, यहीं पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन इसको कर लेता हूँ। देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके दोनों ही मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड भी फिल कर दिया। आप सबमिट के टैब पर क्लिक करते हैं, देखिए लॉगिन हो गया है। अब बोल रहा है करेंट पासवर्ड जो था आप उसके बाद में पासवर्ड चेंज कर लीजिए, न्यू पासवर्ड बनाइए और कंफर्म कर दीजिए न्यू पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा कोड डाल दीजिए। आपको नया पासवर्ड यहाँ बनाना पड़ेगा। पासवर्ड यहाँ पर मैंने अपना डाल दिया और अपडेट कर देता हूँ मैं इसको। पासवर्ड देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैं कंटिन्यू के टैब पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के टैब पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं ये सारी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर पोस्ट देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, STAB और टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसियाँ हैं। जिसके भी पदों पर आपको भरना है यहाँ पर भर सकते हैं। और उसके बाद में अपना स्ट्रीम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में DRDO सेप्टेम्बर के अनुसार आपके पास योग्यता है तो हाँ के टैब पर क्लिक करना है। क्या आपने BE/BTECH किया हुआ है या नहीं किया हुआ है तो इसको आप टिक कर लीजिए। अगर यहाँ पर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, जो भी आपको यहाँ पर अपना सही डिटेल आपको भरना है। उसके बाद में डिग्री जो की हुई है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट में है, आपको किस कैटेगरी के हैं वो आपको यहाँ पर भर लेना है। तो यहाँ पर अनरिजर्व भर लेता हूँ मैं। और उसके बाद में दिव्यांग तो नहीं है, यस या नो के टैब पर क्लिक करना है। ये सारी जानकारी आपको भरना है। अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या नहीं, भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं,
डिसेबल्ड आर्मी सर्विस है या नहीं, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के दंगों से प्रभावित हैं या नहीं, उसके बाद में सरकारी सेवक हैं या नहीं, उसके बाद में आप पहचान पत्र आपका क्या है, ड्राइविंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद में उसका आपको आईडी नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद में नेशनलिटी आपकी क्या है ये भरना है, उसके बाद में पहचान चिन्ह जैसे आप यहाँ पर कुछ भर सकते हैं, जैसे मोल ऑन चीक में भर दे रहा हूँ आपका जो है वो भर दीजिए, या तो सिंपली आप यहाँ पर नो मार्क्स भी लिख सकते हैं, जो भी है आपका आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। शारीरिक माप कितना है यानी कि आपका कितना सेंटीमीटर की हाइट है, तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। उसके बाद में फिजिकल सेंटी कितना है आप, तो इस तरीके से अपना आप वेट भी भर सकते हैं। परीक्षा शहर यानी कि किस शहर में आपको परीक्षा देनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसी में वरीयता के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो जाएगा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या से है, ये क्या है, यहाँ से ईयर, मंथ और ये एज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पर कैलकुलेट होकर के एज आ जाएगा कि कितना आई हुई है। उसके बाद में जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष या महिला। फादर्स नेम आपको यहाँ पर लिख लेना है क्या है, माता का नेम आपको यहाँ पर लिख लेना है क्या है, इस तरीके से आपको नाम लिख लेना है। अब पता आपको लिख देना है जो फुल एड्रेस था आपका, उसके बाद में करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों आपको भर देना है, और उसके बाद में पिन कोड आपका क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। वेबसाइट में आपका जो रैंक है उसके लिए आप यहाँ पर अपनी सहमति दे रहे हैं तो उसको हाँ के टैब पर क्लिक करना है। ये सारी जानकारी भरने के बाद में वैलिडिटी और डिटेल के टैब पर क्लिक कर देना है। देखिए वैलिडेट हो गया है और वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया, ओके के टैब पर क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के टैब पर आपको क्लिक कर जाना है। अब यहाँ पर सेकंड थर्ड पहुँच गए हैं स्टेप पर। अब यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट का रोल नंबर किस संस्थान से किया है, अगर यूपी बोर्ड से किया है तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख रहा हूँ, इस तरीके से आपने जिस बोर्ड से किया है वो आप लिख देना है। उसके बाद में कब आप उत्तीर्ण हुए थे, यहाँ पर आपको दिन महीना ये आपको डेट आपके जो मार्कशीट है उसमें मिल जाएगी, इस तरीके से आपको मार्कशीट की डेट देख लेनी है। और उसके बाद में कुल प्राप्तांक कितने थे यानी कि कितने मार्क्स आपके आए थे इस तरीके से, और टोटल अधिकतम अंक कितने थे वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, और इस तरीके से आपका प्राप्तांक का प्रतिशत क्या था वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लें, तो इस तरीके से आपको डाल लेना। इसी तरीके से डिप्लोमा आपने क्या किया है उसका भी आपको अनुक्रमांक देना है, और किस बोर्ड से किया है तो वो आपको यहाँ पर भर लेना है। और उसके बाद में अवधि कितनी है तो 3 साल यहाँ पर भरना है। कब आप पास आउट हुए हैं वो आपको यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर दे देना है उसको, और कितने अंक आपके आए थे, टोटल कितनी टोटलिंग थी, और आपका परसेंटेज कितना बना ये आपको पूरा भर लेना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको आपकी योग्यताएं भरनी है, अतिरिक्त योग्यता कुछ है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसको वैलिडेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए वैलिडेट मैं किया हूँ तो यहाँ नहीं भरा हूँ, आप भर के इसको आगे सेवन नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके के टैब पर क्लिक करके सेवन नेक्स्ट के टैब पर क्लिक कर देना, सारी डिटेल भर गई है। अब आप यहाँ पर कहाँ पर पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो वो अपनी वरीयता के हिसाब से इसको टिक करिए, जैसे ऐसे मैं टिक करता जाऊँगा तो यहाँ पर वो नाम आता जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद में वैलिडिटी और डिटेल करना है, वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा और सेव नेक्स्ट के टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर, 10th का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। ध्यान दीजिएगा प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर JPG, JEPG में हो सकता है, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी इसमें हो सकता है, और यहाँ पर PDF की नीड नहीं है, तो सारी चीज़ों को मैं अपलोड कर लेता हूँ। देखिए फॉर्म आपका पूरी तरीके से भर गया है, अब इसको पूरी जानकारी आप चेक कर लीजिए, यहाँ फ़ोटो के नीचे इस पर टिक कर दीजिए, और उसके बाद में सारी जानकारी भरने के बाद में आप यहाँ पर इसके भी टैब पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में पुष्टि करता हूँ मेरा सिग्नेचर यही है। सारी जानकारी भरने के बाद में आपको फाइनल सबमिट के टैब पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल गया है, आप पेमेंट इसको कर दीजिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लग रही है, पेमेंट के टैब पर आ गए हैं आप, और इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा कैप्चा कोड डाल देना है और सबमिट के टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आप, डू यू वॉन्ट टू सबमिट के टैब वो पूछेगा, आप अगर सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपना आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करते ही आपका पूरा यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब ये फॉर्म आपका प्रिंट निकाल करके रख लेना है, और इस वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है। जैसे ही आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और मैं भी वीडियो बना करके बता दूंगा। फिलहाल मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना मत भूलिए।